उस्ताद आगा जी के उस्ताद से मिलवा रहे हैं, इदरीस भाई। तो अभी तक आप ऑल ओवर इंडिया में जानते थे कि उस्ताद आगा है, जो कि सब जानते हैं उस्ताद हैं, लेकिन उस्ताद के उस्ताद कौन है वो आज आपके सामने है, इदरीस भाई। तो इदरीस भाई कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है, बहुत बढ़िया है। तो इदरीस भाई कुछ पुरानी बातें बताइए, आज आप मैदान में मिले हैं तो लोग जान तो सके कि उस्ताद आगा जी के भी कौन उस्ताद थे। अरे हमारे दौर के अंदर जब हम लोग लड़ाते थे जी, तो उस वक्त हमारे पुराने लड़ाने वालों में सरवर भाई लड़ाते थे, सरवर भाई जी। और वो ही लड़ाते थे और हम लड़ाते थे हम लोग, उसके बाद में हमारे तीसरे नंबर पे आगा है, ये हमारे शागिर्द हैं। हाँ, लेकिन अब इन्हीं ने आने के बाद में ये है कि इनकी ने तो रिकॉर्ड बना दिया कि इससे अच्छी पतंग की लड़ाई नहीं। तो देखिए इदरीस भाई जो कि उस्ताद हैं खुद बता रहे हैं कि इनके आने के बाद इन्होंने ऐसा हुनर अपने अंदर ढाला कि इनके आने के बाद सब पीछे हो गए और सबसे ऊपर उस्ताद जी हो गए, उस्ताद आगा जी। तो इदरीस भाई कुछ पुरानी बातें बताइए, पहले की पतंगें कैसे लड़ती थी, आपका क्या फर्क है पतंगों में? पहले के गेम में आपके गेम में थोड़ा फर्क आएगा जी, अब गेम जो है आगे थोड़ा बढ़ चुका है पतंगबाजी। कैसे मतलब? मतलब ये है कि तब्दीली आ गई है पेचों में। हाँ, जो टेक्निकी आ गई है पहले इतनी नहीं थी। पहले हमने सुना था कि कलीदार पतंगे फंस के लड़ती थी, अब तो पतंगे भी कुछ साइज छोटा हो गया। हाँ, साइज छोटा भी हो गया जी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। जो दूसरे के लिए था वो हमारे लिए था, वो हमारे लिए भी। हाँ, सही बात। लेकिन मसला ये है कि पतंग की गेम बढ़ गई आगे, और हम लोग का मामला ये रहा कि गेम चाहे इतना बढ़ जाए लेकिन हम लोग हम उसका तोड़ कर लेते हैं आज भी। तोड़ कर लेते हैं। हाँ। तो देखिए ये उस्ताद है, ये एक्सपीरियंस होता है कि गेम चाहे जैसा हो उसका तोड़ कर लेते हैं, क्योंकि उस्ताद आगा और इदरीस भाई और सरवर जमाल ये सब एक काफी टाइम के पुराने प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और आज भी लड़ाते हैं, आज भी उनका नाम इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने सीखा है गेम को, खाली खींच के लड़ाना नहीं जानते कि बस खींचना नहीं है। हम लोग ऑलराउंडर थे, मतलब हम लोग सब पेज लड़ा लेते, दूर घट भारी हल्की समझे, छोटा बड़ा नीचे ऊपर सब जानते थे, कि कोई ऐसा नहीं ना जानते। तो देखिए इदरीस भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो इदरीस भाई आज भी इस वक्त भी किसी क्लब से आप पतंग लड़ा रहे हैं? नहीं, हम नहीं लड़ा रहे, हमने छोड़ दी पतंग करीब 20 साल पहले छोड़ दी हमने। 20 साल से मतलब बिल्कुल पतंग नहीं उड़ाई? हां, 28 जितने दिन लड़ाई 28 साल हारे नहीं, कभी हारे नहीं। देखिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि जब तक लड़ाई है तब तक हारे नहीं, और 20 साल से इदरीस भाई ने पतंग छोड़ दी, लेकिन उस्ताद आगा जी आज भी पतंग लड़ा रहे हैं और काफी नाम कमा चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। और छोड़ इसलिए दी कि भाई अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हाँ, पैदा नहीं के तो छोटे छोटे लड़के काटे हमको पतंग के। नहीं, घर है अपना और फिर घर की फैमिली है, सब कुछ है, तो हमने धीरे धीरे, अभी उम्र भी हो रही है हमारी, उम्र के देखते सब चीज़ अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है, तो लिहाजा ये है कि हमने धीरे धीरे पतंग कम कर दी। तो ये थे हमारे इदरीस भाई जो कि उस्ताद आगा जी के भी उस्ताद हैं, आज इनसे मिल चुके हैं तो आप जान चुके हैं कि उस्ताद के उस्ताद कौन थे। और क्योंकि आज गेम हो रहा है कोलकाता और इंटरनेशनल काइट क्लब के बीच में, तो इसलिए जो उस्ताद हैं इदरीस भाई वो भी देखने के लिए आए हैं। तेज हो रहा है, पतंगे चला रहे हैं दोनों लोग, सही की आवाज़ शंभू ने दी, राहुल ने भी सही कह दिया है, अंदर की तरफ गद्दा रखा, थोड़ा उठाया, शंभू काफ़ी ऊंचा करे हुए हैं और राहुल भाई एकदम नीचे जाके खड़े हैं, तो इसलिए ऊपर से रखने में बड़ा आराम है शंभू भाई को, आला पेज, हवा काफ़ी कम है। टेढ़ा करा के राहुल अपनी पतंग को चला रहे हैं, जिस डायरेक्शन में रखे हैं उस डायरेक्शन से चेंज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पतंग हवा लग रही है। शंभू ने अपनी पतंग को थोड़ा थोड़ा धीरे उतारा और राहुल की पतंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ है शंभू भाई की पतंग से। तो देखिए कितना टाइम लग रहा है पेज पे, जैसे लग रहा है कि लोकल का नवा पेज या फिर परदेसी का सातवां पेज हो, देखने वाला पेज है क्या होता है। धीरे धीरे शंभू अपनी पतंग को कम करते जा रहे हैं, मुट्ठा बनाया, देखिए पतंग को कम करते जा रहे हैं, सीधा मुट्ठा मारा है, पतंग को कम करी और देखिए ताकत से गद्दा मारा, पट की तरफ खींचा और बढ़िया पेज राहुल ने शंभू को अपना काट दिया। पटाओ ले लो या कम कर लो या बल दे, बल तो दी थी तुमने, उसको कवरी करना पड़ेगी बल में ना दादा, इसलिए कि बल पतंग में ज़्यादा खींचना पड़ेगी, ये तो ली थी तुमने। मतलब अपने जो शागिर्द हैं राहुल भाई को समझा रहे हैं कि किस तरह से पेज लड़ाना है और किस तरह से गलती नहीं करनी, क्योंकि जो पेज अभी राहुल भाई ने काटा है इनकी पतंग काफ़ी बड़ थी लेकिन ताकत से इन्होंने पेज काट दिया। तो देखिए ये जो राहुल भाई हैं ये इंटरनेशनल काइट क्लब में लड़ा रहे हैं और ये भी शागिर्द हैं इदरीस भाई के, तो कुछ कहना चाहेंगे इदरीस भाई अपने शागिर्द के बारे में? हमारे शागिर्द का मतलब छोटे भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं आपके। हाँ। और राहुल भाई आप तो कितने साल से आप इनको कुछ पेज के पैतरे सिखा रहे हैं? चार पाँच साल हो गए। तो देखिए 4-5 साल से सीख रहे हैं और पहला पेज इन्होंने काट दिया, आगे भी जितने पेज लड़ाएंगे तो देखेंगे क्या तजुर्बा इन्होंने हासिल करा है अपने उस्ताद से और कैसे पेज लड़ाते हैं।